तो लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश के चलते अजमेर नगर निगम वार्ड नंबर 54 का जीना यहां पर लोगों का दुश्वार हो गया है। पानी भरने के चलते इलाके के लोग अपने घरों में कैद हैं। स्थानीय लोगों में जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जमकर आक्रोश यहां पर देखा गया है। लोगों ने प्रशासन से जल्द वार्ड से पानी निकालने की गुहार लगाई है। अजमेर में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है और कई निचली बस्तियों में बारिश का पानी भर चुका है और लोगों को अपने ही घरों में कैद होना पड़ रहा है। मैं इस वक्त खड़ा हूं अजमेर के वार्ड 54 में, जहां पर जो पानी बारिश के पानी की वजह से जो लोगों को परेशानी आ रही है, उनसे हम एक बार बात करना चाहेंगे। क्या प्रशासन की ओर से यहां पर कोई व्यवस्था की जा रही है या नहीं? पानी से निकलना करने से सब चीज से परेशानी है। अंदर कैद हुए बैठे हुए हैं और घर में भी भर जाता अंदर। घर में 6 इंची पानी भरा हुआ था कल। हाँ, जनप्रतिनिधि और सरकार को क्या कहना चाहोगे? तो यही कहना चाहेंगे कि इस समस्या को हल करो ताकि आगे आने वाले दिन में ये समस्या नहीं होगा। आपका नाम? लालचंद जी ने कहा है कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान किया जाए। निचली बस्तियों में ये क्षेत्र आता है और यहाँ पर हमेशा बारिश आने के दौरान इसी तरीके का पानी घरों में भर जाता है। ये आप देख सकते हैं, एक मकान है जो कि संजय मोनिका जी का है, शक्ति नगर आम का तालाब ये क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ पर जो लोग हैं अपने घरों में कैद हो रखे हैं और ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं जिस तरीके से दो बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर बैठकर कहीं ना कहीं प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को कोसते नजर आ रहे हैं और यही सोच रहे होंगे कि क्या आज यही दिन देखने के लिए जनप्रतिनिधियों को वोट दिया। क्या सरकार, कई सरकारें आती हैं कई जाती हैं, मगर जो इस क्षेत्र का हाल है वो यही हमेशा बारिश के दिनों में देखने को मिलता है। इनके घरों में करीब 2 से 2.5 फीट तक का पानी यहाँ पर भरा हुआ है और हालांकि बारिश पिछले 6-7 घंटों से रुकी हुई है और जब रेगुलर बारिश होती है तो यहाँ पर इसी तरीके का माहौल देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए एक बुजुर्ग हैं जो कि यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हैं और अपनी समस्या बताना चाह रहे हैं। अंकल, कितना दिक्कतें आती है बारिश के दौरान? दिक्कत तो हर साल ये परेशानी रहती है, पिछले साल भी यही स्थिति रही थी और प्रशासन ने ये वादा किया था कि अगले साल ये समस्या नहीं रहेगी, लेकिन इस साल आज भी वही स्थिति हो गई जो पिछले साल थी। उस समय 3 महीने तक पानी भरा रहा और यही मुझे लग रहा है कि इस साल भी ये पानी 3 महीने तक खाली नहीं होगा। अगर इसका कोई पंपिंग या और कोई साधन लगा के इसको खाली नहीं करवाएंगे तब तक ये पानी भरा रहेगा और कॉलोनी वालों को सबको ये समस्या, आने जाने में सबसे बड़ी समस्या बच्चों का स्कूल जाना, बाजार से सामान लाना, ऑफिस जाना, सब लोगों को। त्यौहार भी है आज। त्यौहार आज तो खैर आज का दिन है, त्यौहार है, त्योहारों में भी जो है कहीं आना जाना नहीं हो सकता। क्या रक्षाबंधन पे भी यही हाल था? रक्षाबंधन पर भी यही हाल था, लेकिन ये फिर दोबारा जो है भरने के बाद अब जो है पानी ये जमीन नहीं सोखेगी और ये भरा रहेगा। बिल्कुल, ये देख सकते हैं इन्होंने कहा है कि अगर प्रशासन ने जल्द यहाँ पर पानी निकालने के लिए पंप नहीं लगाए तो यहाँ पर इसी तरीके की समस्याएं बनी रहेगी और जनजीवन है जो कि यहाँ पर अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। एनडीटीवी राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया। और सहयोगी पवन की आपने रिपोर्ट देखी है और तस्वीरें भी उन्होंने आप तक इस रिपोर्ट के जरिए पहुंचाई है। तस्वीरें साफ तौर पर बताने के लिए काफी है कि नींद में प्रशासन है जिसे है जगाने की जरूरत, क्योंकि अगर ये प्रशासन जागा होता तो शायद आज इस रिटायर्ड फौजी की जिनके गड्ढे में गिरने से यहाँ पर मौत हो गई है ये तस्वीर निकलकर सामने नहीं आती है। इसी पर ज्यादा जानकारी लिए पवन एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, आपके पास आते हुए रिपोर्ट आपने दिखाई, तस्वीरें भी आपने दिखाई है। पवन, जो सवाल शुरुआत मैंने उठाया कि नींद में है क्या प्रशासन या जगाने की जरूरत है? जी बिल्कुल मनी, सिस्टम का फेलियर ही कहा जाएगा कि एक बुजुर्ग की मात्र 2 से 2.5 फीट जो पानी है सड़कों पर भरा हुआ है उसमें डूबने से मौत हो गई है। मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम, जो चिकित्सक द्वारा जो पोस्टमार्टम किया जाएगा उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही पता पड़ेगा, मगर जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय पार्षद है,
उनका साफ तौर पर आरोप है कि कई मर्तबा यहां पर स्थानीय प्रशासन को, नगर निगम आयुक्त को कई बार कहा कि यहां पर पानी की निकासी के लिए कोई परमानेंट व्यवस्था की जाए, मगर आज तक नहीं हुई, जिसकी वजह से एक बुजुर्ग रिटायर्ड फौजी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कल रात को रिटायर्ड फौजी रमेश चंद शर्मा किसी अपने कार्य करके वह अपने घर की ओर लौट रहे थे, साइकिल पर संतुलन बिगड़ा और वह साइकिल से नीचे गिरे और नीचे गिरने के बाद जो बेहोश हो गए और पानी में डूब गए। फिलहाल यहां पर जो स्थानीय पार्षद है उनकी सूचना पर अलवरगेट थाना प्रभारी श्याम सिंह चारण, नगर निगम की जो अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे और आनन फानन में एक ट्यूबवेल की यहां पर व्यवस्था की गई, जो कि उसमें भी डीजल खत्म होने के चलते वो भी बंद हो गया। तो कुल मिलाकर पानी अभी भी भरा हुआ है। मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हूं जहां पर यह घटना घटी। लोगों में काफी आक्रोश है सिस्टम के फेलियर को लेकर, उनसे भी हम बात करेंगे और आपको जो घटना स्थल है वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं आम का तालाब शक्ति नगर गली नंबर 3 है, जहां पर बीती रात एक बुजुर्ग की मौत हुई है। ये देख सकते हैं स्थानीय लोग यहां पर मौजूद हैं और ये उस बुजुर्ग रमेश चंद शर्मा की ये साइकिल है। रात करीब 11 बजे वो यहां से गुजर रहे थे, क्या कारण रहे, संतुलन बिगड़ा और वह गिरे और फिर वापस नहीं उठ पाए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के चीरघर में रखवा दिया है। परिजन जैसे ही शिकायत देंगे उनका पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद वही जगह है जहां पर रिटायर्ड फौजी गिरे थे। जी बिल्कुल मणि, ये वही जगह है और कल यहां पर एनडीटीवी ने प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी कि यहां पर पानी भरा हुआ है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। उसके बाद भी प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। अगर समय रहते जो ट्यूबवेल है आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक ट्यूबवेल यहां पर लगाया गया है, वो अब जब खबर चल रही है उसके बाद यहां पर ट्यूबवेल से पानी की निकासी हो रही है। खबर जब चली थी उसी वक्त अगर संज्ञान ले लेते तो निश्चित तौर पर आज ये बुजुर्ग हमारे बीच में होते और परिजनों का रोने का बुरा हाल है। सभी अस्पताल पहुंच चुके हैं, मौके का जायजा लिया था, आपने तस्वीरें दिखाई थी और उसके बावजूद भी यहाँ पर ये हालात बने हुए हैं। जरा ये बताएं दर्शकों को कि जो लापरवाह हैं अधिकारी कर्मचारी उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी और ये मांग क्या कर रहे हैं, यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पर देखिए स्थानीय पार्षद है, वो भी कल जब ये वारदात का घटना का पता पड़ा तो उन्होंने भी काफी नाराजगी स्थानीय प्रशासन पर लगाई थी। उन्होंने भी बार बार कहा था कि कई बार आयुक्त को कहा है कि यहाँ से पानी की निकासी कराई जाए मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। अब देखिए जनप्रतिनिधि है वो सिर्फ अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, मगर जो संबंधित जिसके ऊपर ये पानी की निकासी की जिम्मेदारी थी उसने इस मामले में संज्ञान नहीं लिया। अब देखते हैं ये खबरें चलने के बाद, हालांकि शहर के एक प्रमुख अखबार ने भी इस मुद्दे को काफी प्रमुखता से उठाया है। एक बार बात कर लेते हैं स्थानीय पार्षद जो कि यहाँ पर मौके पर है। जी, आपके बार बार कहने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और एक बुजुर्ग की मौत हो गई, क्या कह रहे हैं? सर, प्रशासन अखबारों में बड़ी बड़ी चीजें लिख देता है लेकिन मौके पे जो धरातल पे जो रहता है वो एक मीडिया ही समझ सकता है, क्योंकि आपने भी कल लाइव के माध्यम से दिखाया था जिस गली में अपन ने लाइव चलाया था वो आज गली में अभी तक पंप नहीं पहुंचा है। वो व्यक्ति वो शाम तक मेरे को कॉल कर रहे थे और उसका खामियाजा ये है, कल जन्माष्टमी का त्यौहार था, एक व्यक्ति गली नंबर 3 में जैसा कि अपन जैसे लाइव चला रहे हैं इस गली में पूरे में पानी भरा हुआ है और एक व्यक्ति जिसकी साइकिल है, रात को 11:30 बजे में क्षेत्रवासियों ने फोन किया क्योंकि कोई व्यक्ति है जो पानी में गिरा हुआ है। मौके पे पहुंच के देखा तो उसमें व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। वो शक्तिनगर आम के तालाब आजाद पथ का ही रहने वाला है, रमेश चंद शर्मा उसका नाम है, एक्स आर्मी है, फौजी है एक्स, उसकी बेटी है जो रामनगर में रहती है, बेटी जवाई, संबंधित अलवरगेट थाना भी मैंने सूचना दे दी थी, नगर निगम में भी सूचना दे दी थी, अधिकारी लोग मौके पे पहुंच चुके थे। CI साहब श्याम सुंदर जी उसको गाड़ी में मौके पे जेलन लेके गए जहाँ पे उसको मृत घोषित कर दिया, जहाँ पे उसकी बेटी जवाई आ गए थे, चीरघर में उसको रखवाया है। आपको मैं बताने जाऊंगा पवन जी, ये विपर्जय तूफान से ही ऐसे हालत बने हुए हैं। कई बार मैंने भी लेटर दे दिए नगर निगम में कि गली नंबर 3 गली नंबर 2 इनकी जो समस्या है इसको सुधारा जाए, या तो इसके रोड को उठाया जाए या इसकी नालियों को डीप करके बनाया जाए, लेकिन स्थिति है कागजों में बन जाती है। जैसे ही मौके पे पानी भरता है अधिकारी लोग आते हैं और वापस कहते हैं हाँ हम इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन
पूरे साल वो इस चीज को और ये तस्वीर बताने के लिए काफी है पवन की प्रशासन सोया हुआ है और ऐसे प्रशासन को जगाने की जरूरत है और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई करने की जरूरत है, तभी यहाँ की सूरत बदलेगी, वरना यही मुसलसल तस्वीर जो लगातार देखने को मिल रही है वही जारी रहेगी। शुक्रिया आपको पवन, तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए।